ये मैंने नए मंगवाए हैं स्पेशल आस्क एमआर के लिए। समझते नहीं वो जांचते, चाहते सुनना दिल की परताने ये समाज के। दुनिया निशाने पे है, किस्मत देती साथ भी, हम नए जमाने से जमाने के हालात नहीं हम झांकते। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर आस्क एमआर सेशन। और आज का सवाल इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड इतना नहीं है, बट इन जनरल यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। अच्छा जी, सवाल है कि मस्जिदों का सीन क्या है, एज अ मुस्लिम सर्वाइवल कैसा है, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो क्या जर्मनी सेटल होने के लिए अच्छी जगह है। ठीक है असद भाई, ये सवाल आया है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो काफ़ी अर्सा पहले मैसेज किया था। सॉरी असद भाई, थोड़ा लेट रिस्पॉन्स जा रहा है इस सवाल का, कि जिस तरह काफ़ी लोगों को आइडिया हो कि जर्मनी में तुर्किश लोगों की काफ़ी आबादी है, एज़ वेल एज़ अरेबिक लोगों की भी यहाँ पे काफ़ी तादाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम यहाँ पे मेजोरिटी में पाए जाते हैं वो तुर्किश हैं। क्योंकि हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी हो तो वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन्स को चाहिए था कि यहाँ पर आके थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट करें, मतलब जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई थी उन्हें दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना था, उसके लिए उन्हें लेबर मैन पावर की ज़रूरत थी। उन्हें काफ़ी लोगों से उन्होंने डिमांड किया था, पाकिस्तान से भी डिमांड किया था कि जी हमें लोग दे दें। खैर हमारी गवर्नमेंट और इनकी गवर्नमेंट का कोई इतना वो फैसला हो सका कि जी पाकिस्तानी लोग यहाँ पे जाएंगे, पता नहीं क्या मसला था एग्जैक्ट, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट एट द एंड ये हुआ था कि पाकिस्तान ने ना कर दी थी कि हम बंदे नहीं भेज रहे। शुरू में पाकिस्तान ने एग्री किया था, बट आई थिंक टर्म्स एंड पॉलिसीज कुछ ऐसी थी कि उसकी वजह से वो डील नहीं हो पाई। फिर जर्मनी मूव टूवर्ड तुर्की, तुर्की से उन्होंने हेल्प मांगी और तुर्की ने काफ़ी हेल्प की, अपने लोग यहाँ पर भेजे, और इसीलिए अब ये रीज़न है कि यहाँ पर तुर्किश के मेरे ख्याल अब थर्ड जनरेशन भी आने लग गई है, थर्ड इवन फोर्थ जनरेशन आने लग गई हैं। रोल यहाँ पर तुर्किश लोग प्ले कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, या काफ़ी अर्से से करते भी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ और जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ मतलब जो खाने की चीज़ें देख लें, जर्मनी का एज सच अपना कोई इतना कल्चर नहीं है, मतलब फूड कल्चर नहीं है, ज़्यादातर जो खाने की चीज़ें लाए हैं वो तुर्किश लोग ही लाए हैं यहाँ पर, जो मुस्लिम हलाल फूड जिन्हें आप कहते हैं डोनर कह लें, इसी तरह की जो जितने भी हलाल टर्म जिसके साथ एसोसिएट है वो ज़्यादातर दुकानें तुर्किश ने यहाँ पर ऑफर की थी। क्योंकि तुर्कियों की तादाद काफ़ी है यहाँ पे, फैमिली सिस्टम उनका काफ़ी डेवलप हो चुका है, नॉट अ कंट्री जहाँ पर आपको मुस्लिम्स नहीं मिलते या फिर हलाल फूड मिलने में बहुत आपको मसला आएगा। ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं मसाजिद की। अब जिस तरह बात की, सारे हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि बताया जाए कि जर्मनी में आपको मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी, इस्लामी जो अपनी वैल्यू है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर जुमे वगैरह होते थे या तुर्किश मॉस्क में होते थे, अरेबिक मॉस्क में होते थे। ऐसा जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है मस्जिदों का, तो यहाँ पर मस्जिदें हैं, आप जुमा भी पढ़ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अगर आपने पढ़ना है तब आपको मसले आते हैं, क्योंकि जब आप अरेबिक या तुर्किश मॉस्क जाओगे तो वहाँ पर नॉर्मली खुतबा या तो जर्मन में हो रहा होता है या फिर अरेबिक, अगर अरबी मॉस्क है, अगर तुर्किश मॉस्क है तो तुर्की में हो रहा होता है और तुर्किश ज़ुबान में हो रहा होता है। तो फिर पाकिस्तानियों को या जिन्हें वो लैंग्वेज नहीं आती उन्हें थोड़ा सा ऑब्वियसली कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि आप खुतबा यहाँ पर उर्दू में काफ़ी मिस करोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये थोड़ा सा मसाजिद का, वैसे ये है कि आप जमात जाके नमाज वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते कि रमज़ान में मुझे याद है अफ्तारियाँ भी होती थी यहाँ पर, रेगुलर अफ्तारियाँ मस्जिदों में होती थी, 30 के 30 दिन आपने जाना है तो आप जाएँ और अफ्तारी कर सकते थे, मतलब विदाउट एनी पैसे नहीं होते थे, लाइक फ्री में अफ्तार है जो सवाब के तौर पे वो अफ्तार आपको करवाते थे, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये ओवरऑल मैंने एक्सपीरियंस किया है मस्जिदों का। इसके अगला सवाल हलाल फूड की भी मैंने बात की, अगला सवाल यही था कि हलाल फूड वहाँ पर मिल जाती है कि नहीं मिल जाती। तो हलाल रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, हलाल चिकन भी आप बाई कर सकते हो जिस पर हलाल का स्टैंप लगा होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, अनलेस कि आप बहुत ही कोई छोटे किसी गाँव में हो तब आपको मसले आएंगे। वहाँ पे देसी खानों के भी फिर मसले आएंगे, देसी फूड के, जिस तरह पाकिस्तानी वहाँ पे कम होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, ज़्यादा फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में, म्यूनिक में बड़े बड़े स्टोर यहाँ पर हैं, और भी सिटीज़ में, लाइक उल्म एक मेरा छोटा सिटी था बट वहाँ पे भी पाकिस्तानी एशियन स्टोर था। अब एशियन स्टोर तकरीबन हर जगह पर ना आ गए हैं, लेकिन छोटे गाँव जिस तरह कह लें, अगर बहुत ही छोटे पॉपुलेशन 9-10 हज़ार पॉपुलेशन का एरिया है, तो वहाँ पर आपको देसी रेस्टोरेंट थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे। तुर्किश वहाँ पे भी अक्सर आपको मिल जाएंगे, बट जब देसी रेस्टोरेंट्स की बात आती है तो वो ना थोड़ा फिर मसला करते हैं, लेकिन अगेन हलाल फूड की तरफ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर रेडली अवेलेबल है, इतना मसला नहीं होगा। मोस्टली लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो काम भी करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली बड़े सिटीज़ होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें कोई इतना मसला नहीं होता इन सारी चीज़ों का, हलाल फूड इजली अवेलेबल।
अवेलेबल होता है. तो आई थिंक ये थोड़ा सा वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कि मसाजिद का और हलाल फूड का क्या सीन है, लॉन्ग टर्म में जर्मनी में सेटल होना कैसा है, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, थोड़ा डिटेल में जाके हम इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब के लिए आप देखते रहिए आस्क एमआर पॉडकास्ट, सेशंस चल रहे हैं. चलो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. मत मतो ऐ हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बेसात.